hello everyone again welcome to my lecture myself mrs ruchika today we will discuss consumer protection act 1986 okay this is the most important topic of this subject so let's start this act was passed in 1986 That's why it is called Consumer Protection Act 1986. Basically, ये एक law है जो कि consumer को कुछ rights और power provide करता है right? According to business के point of view से consumer के rights और power को समझना बहुत जरूरी है है ताकि consumer को best serve किया जा सके Basically इसके अंदर कुछ relevant points हैं जो हम पढ़ेंगे First point is इज अ कंज्यूमर कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर इज द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट इज अ कंज्यूमर एम आई राइट येज ऑफकोर्स आई एम राइट बट यहां हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पड़ रहे हैं तो इसमें हमारी कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या कहती है अभी हम ये देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन ये कहती है Any person who buys any good for a consideration is known as consumer. Right. A consideration Consideration means something in return. For example, grocery shop and then there you purchase a bread and give money. That money you called as a consideration. गॉट माई पॉइंट नाउ वन मोर थिंग वो भी कंज्यूमर ही कहलाएंगे जो परचेज तो कर रहे हैं बट उन्हें यूज या कंज्यूम कोई और कर रहा है क्योंकि उनको आपकी अप्रूवल है राइट फॉर एग्जाम्पल इफ यू परचेज एनी गिफ्ट फॉर यूर फ्रेंड एंड यू आर नॉट यूजिंग दैट प्रोडक्ट और यू आर नॉट कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट दैट विल कंज्यूम बाय यूर फ्रेंड ओनली बिकॉज ऑफ योर अप्रूवल क्योंकि उसमें आपकी अप्रूवल है कि वो गिफ्ट यूज कर सके तो वहां भी वो कंज्यूमर ही कहलाएगा ओके okay. अभी तो ये था कि कंज्यूमर कौन होते हैं हमने ये पढ़ लिया नाउ वी विल डिस्कस हुट कैटेगराइज अंडर कंज्यूमर अभी तक हमने ये देखा कि कंज्यूमर कौन कौन होते हैं अब हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर कौन नहीं होते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु ऑबटेन्स गुड्स फॉर रिसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पज इज नॉट एन कंज्यूमर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर मैं एक कैलकुलेटर लेकर आती हूं राइट आई एम यूजिंग दैट product for my institution, so it uh, it it's for commercial purpose and I will not be categorized under the category of consumer. मैंने अगर कोई एक product खरीदा but मैं उसे अपने कोई पर्सनल यूज में नहीं ले रही हूँ मैं उसे अपने इंस्टीट्यूशन के पर्पज से चला रही हूँ या फिर अपने कोचिंग सेंटर्स के लिए चला रही हूँ अपने ट्यूशन तो ये क्या है ये एक आपका तब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे राइट right? अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों है करेक्ट तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पर्सन रिसेल के लिए और कमर्शियल पर्पस के लिए परचेज करता है उसके लिए एक अलग एक्ट है जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 थर्टी बट हमारा जो सब्जेक्ट है इस समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो रेस्ट्रिक्टेड है ठीक है अभी तक इसलिए अभी हमें आपको आपके सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कंज्यूमर होते हैं And now you just remember one thing only that the person who buys or purchases anything for consideration is known as consumer okay essay students same hamari services the services which used personally for consideration or the person who obtains service approval for a consumer is known as consumer okay, but the services which are using not for ourselves is not a. कंज्यूमर ऐसी सर्विसेस के साथ भी सेम होता है अगर कोई सर्विस हम अपनी पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो वो सर्विस के अंदर हम कंज्यूमर होते हैं बट कोई एक ऐसी सर्विस जो हम अपने लिए ना करके हम अपनी कंपनी के लिए कहीं टूर पे जा रहे हैं तो वो हम तब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर हम कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे आई होप you clearly understand the concept of consumer protection act 1986 okay thank you very much study well and get good marks